हैरान करने वाली तस्वीर मध्य प्रदेश के मंडला से सामने आई, जहां मंडला में बेकाबू डंपर ने तांडव मचाया है। डंपर ने बीच बाजार कई वाहनों को टक्कर मार दी। स्कूल की छुट्टी के समय बड़ा हादसा सामने आया, जहां डंपर की टक्कर से 4 स्कूली छात्राएं जख्मी हो गई। डंपर ने कुल 12 स्कूली छात्राओं की साइकिलों को कुचल दिया। दुकानों में जा घुसी बेकाबू ओवरलोड डंपर। बेकाबू डंपर के तांडव का सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है, और देखिए आप तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने, आप देख सकते हैं कि ट्रक ने कैसे बेकाबू होकर आगे लोगों को रौंदना शुरू कर दिया है। जो भी इसके सामने आ रहा है वो उसे रौंदते हुए आगे बढ़ जा रहा है। आगे जाकर ये ट्रक सीधे दुकानों में जा घुसा और भारी तबाही मचाई। जिस वक्त ये हादसा हुआ तब बाजार में काफी भीड़ थी, जो कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। बताया जा रहा है कि उसी समय एक स्कूल की छुट्टी हुई थी, और उसके चलते छात्र स्कूल से निकलकर घर जा रहे थे। 4 छात्राएं जख्मी हुई हैं, जबकि कई छात्राओं की साइकिल इस डंपर के नीचे आ गई। आखिरकार ये ट्रक जाकर एक दुकान में घुस गया, और उसके चलते दुकान को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बेकाबू डंपर जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये बेकाबू हुआ कैसे? क्या ड्राइवर की कोई लापरवाही या फिर तकनीकी कोई दिक्कत? लेकिन सबसे राहत की बात ये रही कि किसी तरह की कोई जनहानि इस मामले में नहीं हुई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक